क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए खास होता है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच प्लेयर हैज वन द 2021 डेनमार्क ओपन मेन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप। किस खिलाड़ी ने 2021 डेनमार्क ओपन पुरुष एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। हमारे ऑप्शन है केंटो मामोटा, विक्टर एक्सेलसेन, चेन लॉन्ग, एंड्रेस एंटोनसन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेलसेन। पुरुष एकल विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क ने केंटो मामोटा जापान के जो है उनको हराया है और ये खिताब जीता। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी टीम विल कम्पीट इन द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 में कितनी टीमें मुकाबला करेंगी। हमारे ऑप्शन है 10, 8, 12, 11। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का हिस्सा होंगी, इसलिए प्रतियोगिता में टीमों की कुल संख्या 10 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फार्मूला वन ड्राइवर वॉन द 2021 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स। किस फार्मूला वन ड्राइवर ने 2021 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो हमारे ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, सेरिजियो परेज, वाल्टेरी बोटास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन जो कि रेडबुल नीदरलैंड से ने ऑस्टिन टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्किट ऑफ द अमेरिका में आयोजित 2021 यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स जीती 24 अक्टूबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी। निम्नलिखित में से किसे चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारे ऑप्शन है रोहित शर्मा, अजंक्य रहाणे, नीरज चोपड़ा, के एल राहुल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, के एल राहुल। रियलमी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के एल राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 जोसेफ अ कुशमैन अवार्ड फॉर एक्सलेंट इन फोरामिनिफेरल रिसर्च। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ अ कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। हमारे ऑप्शन है राजीव निगम, सुनील पॉल, कुणाल कामरा, ध्रुव भूषण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजीव निगम। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ अकुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द विनर ऑफ द 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए के विजेता का नाम क्या है। तो हमारे ऑप्शन है कमल हसन, चिरंजीव, रजनीकांत, ए आर रहमान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रजनीकांत। वयोवृद्ध अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा की दुनिया में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महान अभिनेता को 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हाथ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज WAIPA फॉर 2021 to 2023। 2021 से 2022 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA वाइपा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे ऑप्शन हैं जर्मनी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब इमीरात। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिया।
इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार के भीतर एक युवा स्टार्टअप को सर्वसम्मति से 2021 से 2023 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द डिजी बुक इनोवेशन फॉर यू? किस संस्था ने डिजी पुस्तक इनोवेशन फॉर यू का विमोचन किया है? हमारे ऑप्शन है इन्वेस्ट इंडिया, NPCI, अटल इनोवेशन मिशन, इसरो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक लॉन्च की है। इस डिजी बुक में फोकस क्षेत्र हेल्थ केयर है। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है हु शैल हेड द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी NSC कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NIPUN भारत मिशन? NIPUN भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति का नेतृत्व कौन करेगा? हमारे ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, रमेश पोखरियाल, अनुराग ठाकुर। तो इसका सही ऑप्शन जो भी आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी नए क्वेश्चन डाले जाएँ या नए वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।